हेलो फ्रेंड्स, हायो, वेलकम टू कुकिंग विद एमत्स मामा चैनल। आज हम क्या बना रहे हैं? हमर आइसक्रीम बना रहे हैं। तो हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 14 स्ट्रॉबेरीज ली हैं, अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इन सबको कट कर लेंगे। तो अभी सारी स्ट्रॉबेरीज हम कट कर लेंगे और इसके बाद मैं बनाऊंगी कंडेंस्ड मिल्क। तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखी है, लेकिन अब भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको रेसिपी फॉलो करने में कोई परेशानी ना आए। अगर कंडेंस्ड मिल्क पहले से है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए 2 कप मैंने दूध लिया है और 1 कप लूँगी चीनी। और इसे अच्छी तरह से हम पहले मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये काफ़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट बाद। अब 10 मिनट बाद या तो आप 20 से 25 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे रख दीजिए, या फिर 10 से 15 मिनट के लिए लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लीजिए। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 15 से 20 मिनट में इसको अच्छा खासा थिक कर लिया था। तो ये देखिए, तो ये 20 से 25 मिनट के लिए या तो आप लो फ्लेम पे रख के छोड़ दीजिए, या फिर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम पे से चला चला के आप गाढ़ा कर लीजिए। तो ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। यही टेंडेंसी हमें चाहिए, यही जो कंसिस्टेंसी होती है वो चाहिए होती है, ताकि ये थोड़ी देर बाद वैसे भी गाढ़ा हो जाता है। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद में दिखाऊँगी कि ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज और कंडेंस्ड मिल्क। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, आपकी आइसक्रीम ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो ये देखिए कंडेंस्ड मिल्क की इस टाइम कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपको किसी भी फ्रूट की आइसक्रीम बनानी है, आपको केवी की बनानी है, आपको मैंगो की बनानी है, तो विदाउट क्रीम, विदाउट किसी भी चीज़ के, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इतनी अच्छी आइसक्रीम बना सकते हो। तो सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपको फॉलो करने हैं और आपकी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। तो मैंने ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा फूड कलर डाला है, ना ही कोई एसेंस डाला है। नेचुरल एकदम नेचुरल फ्लेवर आएगा आपकी आइसक्रीम का और बहुत स्मूथ बन के तैयार होगी। कोई उसमें आइस टाइप की जो होती है वो नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मिक्सचर एकदम रेडी है और अब मैं इन्हें मोल्ड में डालूँगी। देखिए, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैंने एक टैंग आइसक्रीम की डाल रखी है रेसिपी, आप उसमें देख सकते हो। अदरवाइज़ आप पेपर कप्स होते हैं उसमें भी जमा सकते हो और उसके ऊपर आप फॉइल लगा दो तो वो आपकी आइसक्रीम तब भी ऐसी ही जमेगी। तो ये देखिए, मैंने मोल्ड में जितना भी हमारा ये मिक्सचर था वो हमने डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क का, स्ट्रॉबेरी का। अभी हम इसे रख देंगे 6 घंटे के लिए। तो कम से कम इसे हमें फ्रीज़र में रखना है 6 से 8 घंटे के लिए। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था, तो सुबह को मैंने इसको खोला है। तो मैंने ये रेसिपी शूट करी थी एक दिन ईद से पहले और अगला दिन ईद का था। तो सुबह में बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आइसक्रीम के लिए। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो कलर हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला है हेल्दी पर्पज़ की वजह से। अगर आपको कलर डालना है तो आप रेड फूड कलर डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल सकते हो। तो ये देखिए, मैं आइसक्रीम निकाल लेती हूँ और ये बहुत अच्छी और स्मूथ आइसक्रीम बन के रेडी होती है। यकीन करिएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी गर्मी का मौसम है, बाहर की आइसक्रीम से अच्छा है घर की आइसक्रीम खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी और भी आइसक्रीम की वीडियो है, मलाई कुल्फ़ी की वीडियो है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और टैंग आइसक्रीम का भी मेरे पास वीडियो है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों का रिव्यू आप आगे देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए बच्चों का रिएक्शन भी देख लेते हैं और ये आइसक्रीम भी देखिए आप। देखिए कितना अच्छा मोल्ड का शेप निकला है, मिक्की का शेप है। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तो बाद में मैं आइसक्रीम्स नहीं दिखा पाई थी, सिर्फ बच्चों ने ले ली थी अपनी हैंड टू हैंड। दिस इज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, प्लीज ट्राई इट बिकॉज इट इज सो यमी, आई कैन टेल यू इट्स सो यमी। स्ट्रॉबेरी, व्हाट्स योर रिएक्शन अबाउट द आइसक्रीम? दैट्स टू मच यमी। स्ट्रॉबेरी भी, आइसक्रीम भी। ओ,